हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुहास तलमल है और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड GATB, मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो अब रिप्लेस करने वाली है JNU CEEB को। हम लोगों को मालूम है JNU CEEB इज कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो एक बायोटेक्नोलॉजी की एग्जाम होती थी बहुत सारे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में बायोटेक, एमएससी बायोटेक के लिए एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अब उसके जगह GATB ये एग्जाम होने वाली है एंड ये कंडक्ट कर रहा है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी RCB, विच इज रन बाय DBT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक कंप्लीटली गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है। इस एग्जाम में आपको स्क्रीन पे एक वक्त एक ही क्वेश्चन दिखने वाला है, जब आप स्क्रॉल करोगे तभी दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसके बाद ही तीसरा क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 ही दिखेगा। तो आता है आपको तो आप उसको ABCD ऑप्शन में से एक के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं आता है तो आप स्क्रॉल करके आगे चले जाइए। आप लोग चाहे तो बाद में वापस आकर रिवर्स स्क्रॉल करके उसको फिर से चेंज भी कर सकते हैं आंसर्स, जब तक आप आंसर शीट सबमिट का वहां पे बटन जो होगा वो नहीं दबाएंगे तब तक आपका आंसर शीट सबमिट नहीं होने वाला है। अब आप सबने उसका फॉर्म भरा है, अगर नहीं भरा है तो थोड़ा सा एक प्रिकॉशन लेनी है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिलअप करने के बाद वहां पे प्रीव्यू करके बटन आएगी, नीचे एक ब्लॉक आएगा कि विंडो आएगी छोटी नीचे से, और उस विंडो को जिसके ऊपर प्रीव्यू लिखा होगा उसको आपको क्लिक करना है। इससे आपके फॉर्म की फुल आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन भरा है वो पूरा एट अ ग्लांस दिख जाएगा आपको, और अब इसको देखने के बाद आपको पूरा उसको चेक कीजिए, उसके बाद ही सबमिट कीजिए। रीजन, इसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। बाय मिस्टेक अगर आपने कुछ भी इतना सा भी गलत लिखा है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो ये चेंज नहीं होगा और आप दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म उसी नाम से नहीं भर सकते। इसलिए ऑल्सो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद, सब होने के बाद, एक उसका प्रिंट भी आपको लेना है जो वहां पे सेव होगा, और जो ईमेल आईडी उसमें ऐड करोगे या डालोगे उसमें फॉर्म भरते वक्त, वो ईमेल आईडी आपके मोबाइल में भी ओपन होने वाला ईमेल आईडी होना चाहिए, मतलब आपके मोबाइल के साथ वो पहले से मैच होना चाहिए। अब ये इसलिए क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे नो डाउट आपके पास आई कार्ड होगा जो उनकी तरफ से आएगा आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद, लेकिन उसके साथ साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये भी आपके मोबाइल में रहेगा आपके ईमेल में, एंड उसके साथ साथ जो भी ईमेल आईडी आपने दिया है उसमें आपका आई कार्ड भी सेव रहेगा, एंड इसीलिए वही ईमेल आईडी आप उसमें डालोगे जो आपके मोबाइल में भी खुलता है। उसके साथ साथ एडमिशन प्रोसेस जो है वो DBT कंडक्ट नहीं करने वाला, ये बात याद रखनी अपने को, मतलब DBT सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करेगा और आपके मार्क स्कोर जितने हुए उसके हिसाब से आपको रैंक देने वाला है। एडमिशन प्रोसेस से DBT का कोई लेना देना नहीं है। एडमिशन प्रोसेस आप जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करोगे उसी हिसाब से, उस इंस्टीट्यूशन के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, और वो आपको जैसे गाइड करेंगे उस हिसाब से ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब हम सबको मालूम है कि इसके थ्रू जैसे पहले JNU CEEB होती थी ये सिर्फ MSc बायोटेक के लिए होती थी, लेकिन अब जो DBT एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, आप लोगों ने ब्रोशर में शायद पढ़ा होगा उसके, कि वो MVSC मतलब वेटरनरी साइंस में मास्टर करने के लिए, इसके लिए भी हो रहा है। MTech इन बायोटेक विद अलाइड एरियाज, उसके लिए भी हो रहा है, अलाइड एरियाज मतलब उससे रिलेटेड एरियाज। MSc इन अलाइड एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लाइक मरीन बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे एरियाज में उसके लिए भी हो रहा है। MSc एग्रीकल्चर और बायोटेक, उसके लिए भी हो रहा है, और MSc बायोटेक जिसके लिए मेनली JNU CEEB एग्जाम होती थी, ये इन सब के लिए हो रहा है। हर एक के क्राइटेरिया अलग अलग है, वो आपको ब्रोशर में अच्छे से पढ़ने हैं। तो सिर्फ MSc अलाइड एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड MSc बायोटेक्नोलॉजी, इन दो ही कोर्सेस के लिए जो 3 साल का BSc कर रहे हैं, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, वो लोग अप्लीकेबल है। बायोटेक्नोलॉजी और एनी बायोलॉजिकल साइंस, इसमें जनरली ये नहीं कहा गया कि सिर्फ बायोटेक BSc में होना कंपलसरी है, आप कोई भी लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो भी आप इसमें ले सकते हो। अब याद ये रखना है कि सारी यूनिवर्सिटीज या सारी इंस्टीट्यूशंस जो इसमें है वो सारी ए ग्रेड नहीं है, उसमें से कुछ बी ग्रेड भी है, सारी ए प्लस ही होंगी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लगता है
कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंडक्ट कर रहा है तो उसके अंदर आने वाले सब ए ग्रेड ही होंगे, नहीं, कुछ बी ग्रेड कॉलेज भी, इसलिए सबकी रैंक देख के ही बाद में ऐड करना है। उसमें से कुछ ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज मैंने यहाँ पे लिखी है जो लोग एमएससी बायोटेक में लेना चाहते हैं। जो पेपर है वो होगा 240 मार्क्स का एंड इट विल बी ऑफ 3 आवर्स, और 3 घंटे में आपको 2 सेक्शंस में पेपर छोड़ना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन होंगे पूरे एमसीक्यू, और इसमें आपको पूरे 60 छुड़ाने हैं, 60 क्वेश्चन कंपलसरी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 30 ही क्वेश्चन आते हैं तो भी मैं जबरदस्ती से 60 छुड़ाऊंगा। अगर आपको 30 आते हैं तो आप 30 ही छुड़ाओ, आपको 40 आते हैं आप 40 ही छुड़ाओ, जरूरी नहीं है 60 भी छुड़ाना चाहिए। लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें 100 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ 60 छुड़ाने हैं, एंड इसमें हर आंसर को, करेक्ट आंसर को 3 मार्क है और रॉन्ग को -1 है। इसका मतलब आपका मेन जो स्कोर बनने वाला है वो सेक्शन बी पे बनने वाला है। ऑल्सो सेक्शन ए जो है इसमें ऑफकोर्स दोनों एमसीक्यू ही है, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट होगा। सेक्शन ए 10+2 लेवल का है, लेकिन सेक्शन बी जो है वो पूरा बैचलर डिग्री का है, लेकिन सेक्शन बी इज फुल्ली ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मींस कंप्लीट बायोलॉजिकल साइंस। बट सेक्शन ए जो है उसमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चारों के टॉपिक्स हो गए। इसका मतलब जो 60 क्वेश्चन है उसका अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर ले तो 15 क्वेश्चन फिजिक्स, 15 मैथ्स, 15 केमिस्ट्री और 15 बायोलॉजी, ऐसा हो सकता है। बट इट्स नॉट कंपलसरी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कभी बायोलॉजी के 13 ही क्वेश्चन हो सकते हैं और फिजिक्स के 17 या 18 हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इसमें हम लोगों को ये याद रखना है जनरली थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी अगर इस तरीके से एग्जाम हो रही है एमसीक्यू, तो याद रखना है उस पेपर में भी हमको क्वालिफाई करना है, और इस पेपर में क्वालिफाई होने के लिए या हर पेपर में क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 1/3 मार्क उसके लेने पड़ते हैं। अब अगर आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ोगे तो नो डाउट सेक्शन बी शायद आप पूरा सॉल्व कर लो, लेकिन सेक्शन ए अगर आपको कवर करना है तो आपको बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स इनके भी एरियाज करने पड़ेंगे। अब याद रखिए कि बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग बोर्ड डीप पे पढ़ लेंगे और शायद इसके 15 क्वेश्चन हम लोग पूरे सॉल्व कर ले, लेकिन केमिस्ट्री अगर हम लोग उसके साथ साथ फुल पढ़ते हैं क्योंकि वो 10+2 लेवल का ही है जो हम लोग आराम से कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग को एनसीईआरटी का बायोलॉजी का बुक तो पढ़ना ही है पूरा, नो डाउट हम लोग बायोलॉजी का प्रिपेयर करना है, लेकिन एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का भी बुक आपको अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली ऑर्गेनिक, क्योंकि हमेशा इस टाइप के एग्जाम में ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस रहता है। नेम द रिएक्शन, नेम द स्ट्रक्चर्स, इस टाइप के प्रॉब्लम्स उसमें ज्यादा रहते हैं, और उसमें भी ऑर्गेनिक में जो मेन रिएक्शन है जैसे अल्डोल कंडेंसेशन है, कानिजारो रिएक्शन है, इस टाइप की जो कॉमन है अल्कोहल फिनॉल की कॉमन रिएक्शंस, एल्डिहाइड और कीटोन्स की कॉमन रिएक्शंस, इस टाइप की आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करके जाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो उसमें पीरियोडिक टेबल, अब इसकी बहुत ही सिंपल चीजें हैं, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जो शायद आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये ऐसे कुछ सिंपल टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपके काफी सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपको डीप पे पढ़ना है, और अगर आपने इतने एरियाज कर लिए तो भी आप केमिस्ट्री के 15 में से 10-12 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। उसके बाद बात रही फिजिक्स की, अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स इतना है और इतना हम लोग पूरा पढ़ के और प्रैक्टिस करके नहीं जा सकते, तो हमने कुछ लिमिटेड टॉपिक्स निकाले हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में मैकेनिक्स जो बहुत ही इजी है, वर्क एंड एनर्जी, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन एरियाज को भी अगर आप कर लेते तो भी आपके कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर निकल जाएंगे। मैथ्स के लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और मैट्रिक्स, अगर आप ये 8 एरियाज भी कर लेते हो तो भी सफिशियंट है। अब याद रखना है हम लोगों को कि इसमें 1/3 मार्क है, इसका मतलब सिर्फ 1/3 मार्क के क्वेश्चन छोड़ा है और एकदम से क्वेश्चन भी किया तब चल गया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये पेपर इजी रहा और बहुत सारे लोगों ने अच्छे स्कोर किए हैं तो ये इसका क्राइटेरिया थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, इसीलिए 50% हम लोगों को पहले ये पेपर छोड़ाना है। सेक्शन ए
पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन छुड़ा लिया मैंने, फिर मैं केमिस्ट्री के तरफ जाता हूँ, केमिस्ट्री के जितने आते हैं उतने, और अब अगर मैंने 50% उसका पेपर सॉल्व हो गया है सेक्शन ए, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन फिजिक्स एंड मैथ्स, मैं डायरेक्टली सेक्शन बी के ऊपर जंप करूंगा। और अब इसमें 100 क्वेश्चन है जिसमें मुझे हर एक क्वेश्चन जो जो आ रहा है फुल फ्लेज, मुझे मालूम है कि इसका आंसर यही है, 100% कॉन्फिडेंस वही क्वेश्चंस में करूंगा। और इसमें मुझे जिन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद लग रहा है कि डाउट है कि ये क्वेश्चन परफेक्ट है कि नहीं, मालूम नहीं इसका आंसर ये, तो मैं उस क्वेश्चन नंबर को नोट करके रखता हूं। हमारे पास एक पेज होगा रफ वर्क करने के लिए, मैं उसके ऊपर उसको नोट करके रखता हूं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 मुझे उतना अच्छे से नहीं आ रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर मैं अगर सोचूं बाद में तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 साइड में सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 लिख के रख दूंगा। इसी तरीके से मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं जो उसको जिसको अगर मैं सोचूं बाद में तो कर सकता हूं। तो हो सकता है मुझे आउट ऑफ 100 पूरे क्वेश्चंस मैंने देखने के बाद 40 ही क्वेश्चन आए। अब 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मैंने नंबर लिख के रखे, तो अब मैं उनके ऊपर सोचूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आखिरी के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और हम लोग शुरुआत के क्वेश्चन में बहुत टाइम पास कर लेते हैं और बाद में आखिरी के हम लोग पढ़ना ही रह जाते हैं, तो हम लोग वो पढ़ ही नहीं सकते और वो बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर हम लोग 3-3 मार्क आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए ये ट्रिक यूज करना है आपको कि जो आ रहा है कॉन्फिडेंटली वो करो, जो नहीं आ रहा है उसको आगे बढ़ते जाओ। अब प्रिपरेशन के वक्त आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें 100 में से 60 ही क्वेश्चन आपको छुड़ाने हैं, तो इसमें जो जितना एरिया दिया है पूरा एरिया आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आप सिर्फ 80% भी सिलेबस कर लेते हो सेक्शन बी का, सिर्फ 80%, तो भी आप अप्रोक्सीमेटली 100 में से 75 क्वेश्चंस तो छुड़ाने के एबल हो जाओगे। लेकिन उसके सिवा आपको एक और चीज याद रखनी है कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ना है, जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व करना है। इसीलिए IIT जैम में जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो आपने बैचलर डिग्री में प्रैक्टिकल किए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री में, इन सब के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा पार्ट है जिसके क्वेश्चंस किसी भी चीज में आ सकते हैं। बट एक चीज याद रखिए कि एग्जाम के सेंटर पे मत पढ़िए, इससे ज्यादा हड़बड़ी होती है दिमाग में। आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। GATB के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो किसी काम का लग रहा है तो ही सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।